ध्यान रखना सर, किसी व्यक्ति का दिल जीतना हो ना, उसके बिना पूछे उसके 10 काम कर दो आप। उसे कहीं जाना हो भाई साहब मैं जाऊंगा, लेकिन चलो कारों के बारे में पूछोगे ना 100 जनों से, 80 लोग मारुति सुजुकी के बताएंगे भाई कार लेनी है। ये ध्यान देखकर बनाती है। अब ये तो नहीं सर कंपनी बनाई जा रही, माल बिक नहीं रहा है, मांग है नहीं उसकी, माल बनाई जा रही है, उसमें बैठना 5 से 10 साल, उसमें मजा भी नहीं आएगा और वो पैसा गारंटी भी नहीं कि वो पैसा आपका डबल टिबल चौबल सही है। लेकिन जो ये व्यक्ति कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा होल्ड करना चाहिए, भाई उनके पास पैसा कितना है पहले आपको ये देखना चाहिए, ज्यादा नहीं जितना है उसमें से कुछ परसेंट हमें प्रॉफिट देखना चाहिए ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करेंगे सर विप्रो की, टाटा स्टील की, और बात करेंगे सर मारुति सुजुकी और वेदांता की। सर इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से आपको मैंने कहा था कि आपको अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, ज़्यादा नहीं जितना है उसमें से कुछ परसेंट हमें प्रॉफिट देखना चाहिए ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपके लिए वेदांता में परसों जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये मैंने बोला था कि हाँ अगर वेदांता तेज़ी दिखा रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि जो उसने शुद्ध लाभ कम किया है फिलहाल उसका दिमाग उसके अंदर उसका लगने वाला है, और इसकी वजह से ही जो आप तेजी दिखाई देगी वो एक्चुअल तेजी नहीं होगी। फिर भी हमें अपने प्रॉफिट को अपने अनुसार देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बीते दिनों बता दी थी, और उस तरीके से ही आज वेदांता ने जो गिरावट की है और जिन्होंने अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट ना लिया हो वो थोड़े से मायूस होंगे। लेकिन इस चक्कर में अगर ये शेयर नीचे जा रहा तो ये बेकार है, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिस तरीके से लोग आपको कहते हैं ना कि भाई आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना चाहिए, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये व्यक्ति कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा होल्ड करना चाहिए, भाई उनके पास पैसा कितना है पहले आपको ये देख लेना चाहिए, उनके पास वो पैसा, उनको ज़रूरत ही नहीं है 20 से 30 साल के लिए, हमें तो कल ही जरूरत पड़ जाएगी पैसे को शेयर मार्केट में लगाने के बाद। सर हम नहीं रह सकते इतने दिन तक, लेकिन अगर हमारी एक ऐसी मनोकामना रही कि अगर हमें पैसा मार्केट से कमाना है तो वो धीरे धीरे प्रॉफिट को बढ़ाकर ही कमा सकते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। अब एक शेयर में सारा पैसा लगाकर बैठना 5 से 10 साल, उसमें मजा भी नहीं आएगा और वो पैसा गारंटी भी नहीं कि वो पैसा आपका डबल तिबल चौबल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए जो आपको कहते हैं बस होल्ड ही कर लो, तो होल्ड करने में वो सक्सेस हो जाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हमें तो जितना थोड़ा आ रहा है उसका थोड़ा थोड़ा मनी बढ़ाना है, हाँ बाद में हम होल्ड करेंगे जब हमें इस मार्केट में अच्छा पैसा हम कमा लेंगे और हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम उसे दूर तक के ले जा सकते हैं। तो ये मेथड सबको समझ में आना चाहिए, नए लोग भी इसको समझें, पुराने लोग भी इसको समझे कि समय समय पर अपना अगर 100% प्रॉफिट हम नहीं लेते तो 20-30-40-50% का प्रॉफिट और बाकी छोड़ना है, वही आपका मल्टीबैगर होगा। सर ध्यान रखना हमारे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है कि हम अपने प्रॉफिट को 5-10-20 तक देख सकें, तुरंत ही उसे निकालने का मन बन जाता है। 1.5-2 लाख किसी को प्रॉफिट आ रहा है वो इस चक्कर में रहेगा भाई ये 4-5 लाख हो जाएगा, फिर वो आपको 50,000 दिखाएगा, फिर हम 50,000 लेके निकल लेंगे। तो हमें एक ऐसी अपनी मनोस्थिति बनानी है कि हमें शेयरों में रुका जाए, और वो तभी रुका जाएगा कि जब आपके होल्डिंग में से कुछ प्रॉफिट आप लेंगे और बाकी को आप भूलेंगे, ये तो आपको करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस मार्केट में सक्सेस होंगे। सब ध्यान रखना वेदांता के ऊपर, इसलिए मैंने आपको इतना सा ये बता दिया है कि जिस तरीके से वेदांता और टाटा स्टील ने अपना शुद्ध लाभ कम किया है, परियोजना इनकी बहुत ज़्यादा आगे तक चल रही है, तो इसे देखते हुए जो ये परियोजना पर काम करेंगे फिर हमारे अंदर इतना हृदय होना चाहिए कि हम इसे 2 से 3 साल तक रोक सकें। सर देखो 2 से 3 साल वेदांता आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, और उससे पहले अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हमें अपने अनुसार देखना पड़ेगा। सर किसी को भी सेल हो किसी को भी बाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी मनसा बना रहा हूँ कि जब हम वो प्रॉफिट नहीं लेते कम हो जाता है तो दिल टूटता है, तो उस दिल टूटने की वजह से मार्केट में काम करने की वजह से हमारे अलग नियम है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसको अच्छा लगता है वो करे, जिसको नहीं अच्छा लगता वो ना करे। सर क्योंकि हमें कुछ शेयर होल्ड जरूर करने पड़ेंगे जो अच्छे हैं, वेदांता अच्छा है तो कुछ करना पड़ेगा,
तो ये आपको समझ में सर आ गया होगा। FIs जो हैं, FPI जो फिर आ गए हैं खरीदारी करने, जो दो महीने से बिकवाली कर रहे थे, इस नवंबर के जो स्टार्टिंग हुआ है उसमें जो FIs हैं, जो FPI हैं, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर दी है और इसकी वजह से आपको शेयरों में तेजी के माहौल देखने को मिले हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा सर, फेडरल रिजर्व की जो ब्याज दर है उसमें थोड़ी नरमी के रुख उन्हें लगे होंगे, इस वजह से जो यहाँ खरीदारी हो चुकी है, तो ये तेजी सिर्फ उसकी है, तो ये धुंधली आपको आने वाले दिनों में हो सकती है। इसलिए कहता हूँ कि अपने प्रॉफिट को साथ लेके हमें चलना है। एक व्यक्ति ने कमेंट किया, सर कल आप बहुत अच्छा बता रहे थे, आजकल बेकार बता रहे हो। उन्होंने वेदांता की वीडियो देख ली है। सर मैंने वेदांता को कहा था ये बहुत अच्छा शेयर आगे के लिए, लेकिन अपना प्रॉफिट देखने, उन्होंने प्रॉफिट वाली बात सुनी नहीं होगी। और कब जब मैंने कहा कि इसमें अपना थोड़ा प्रॉफिट देखना चाहिए, तो उनको लगा होगा भाई कल तो कह रहे थे रखना है, आज कह रहे प्रॉफिट देखना। सर प्रॉफिट पूरा नहीं देखना है, ये ध्यान रखना, प्रॉफिट हमें थोड़ा देखना है। 100 में से अगर हमें प्रॉफिट लेने की क्षमता है तो 50-60% देखना है, बाकी रखना है, वो रखना है ऐसा कि वो हमारा लॉन्ग का होना चाहिए, ये हमें नियम बनाने पड़ेंगे। तो FPI दोबारे से लौट आए हैं, अब ये कब तक खरीदारी करते हैं, कब तक यहाँ से निकलते हैं, ये भरोसा किसी का नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं FPI के द्वारा हो रही है। बात करेंगे मारुति सुजुकी की सर, 9,300 यानी कि 9,300 रुपए करीब का ये शेयर है। एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि मांग, जब भी किसी चीज की मांग बढ़ जाती है तो उसकी वो वैल्यू होती है, यानी कि सर कोई कंपनी कुछ चीज बनाती है, वो कंपनी बाजार की स्थिति को देखकर बनाती है। अब ये तो नहीं सर कंपनी बनाई जा रही माल बिक नहीं रहा है, मांग है नहीं उसकी, माल बनाई जा रही है, उसमें क्या होगा, कंपनी एक तो सारा का सारा जो खर्चा अपने माल बनाने में लगा देगी, जब वो माल बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, तो कंपनी क्या होगी सर, लॉस की तरफ जाएगी। तो जो आज मारुति सुजुकी का शेयर है ना, उसकी मांग के द्वारा है वो इतना ऊपर कि लोग कहेंगे सर ये शेयर इतने ऊपर क्यों है। उन्होंने क्या कहा है सर, RC भार्गव कौन है, ये है सर मारुति सुजुकी के चेयरमैन, जिनको वाहन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वाहन यात्रियों की मांग बढ़ रही है ना कि खरीदने के लिए, उसे देखते हुए हमें वित्त वर्ष 2024 में अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि जो आज हम कुछ कार बना रहे हैं उसे और ज्यादा बनाना पड़ेगा, कुछ फेरबदल करना पड़ेगा सर, यानी कि 2024 में वित्त वर्ष में वो अपनी क्षमता को 23-24 लाख सालाना कार बनाने में निकाल देंगे सर, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है, मांग बढ़ रही है, और मांग कब बढ़ी है, जब ज्यादा कार बिक रही है। मानेश्वर में जो इनकी कारें बनती है सर, सालाना 7.50 लाख करीब बनती है, और वहीं पर गुजरात प्लांट में इनकी जो कारें सालाना बनती है 7.40 लाख बनती है, और वहीं पर गुड़गांव में जो इनकी कारें बनती हैं सालाना प्लांट में, तो वो बनती है 5 लाख। अब इसकी क्षमता को ये बढ़ा रहे हैं, मानेश्वर की क्षमता जहां 7.50 लाख कार की है उसे बढ़ाकर ये 8.50 लाख कार कर देंगे, और गुजरात वाली जिस तरीके से 7.40 लाख कारें बनाती है उसे ये 8.50 लाख कर देंगे सर। इनका जो हरियाणा में जिस तरीके से इनका 8 साल से प्लांट बन रहा है, उसकी क्षमता सर 10 लाख कार सालाना बनने की है, जो अब पूरी होने वाला है वो प्लांट, उसमें 1100 करोड़ रुपए का खर्चा इनका है, उस तरह के इन्होंने एक परियोजना बना रखी है। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है सर, यहाँ से RC भार्गव जो है एक ऐसी दिशा हमें दिखा रहे हैं मारुति सुजुकी में, कि इन्होंने अपनी एक प्लानिंग बता दी, किस तरीके से बताइए, मांग के द्वारा। कोई भी व्यापार, कोई भी घर, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी मांग बढ़ती जाए, वो आपकी वैल्यू को और आपकी कंपनी को और आपकी गुडविल यानी ख्याति को बढ़ा देगा। तो इस वजह से आपको मारुति सुजुकी बेस्ट लग रहा है। आप किसी से भी कारों के बारे में पूछोगे ना, 100 जनों से 80 लोग मारुति सुजुकी के बताएंगे भाई कार लेनी है, ये ध्यान रखना। तो ये नाम बनाने में जिस तरीके से एक समय लगता है, काम लगता है, और जो इनकी सर्विसेज होते हैं वो इस चीज़ को मजबूत करते हैं, तो यहाँ पर कारों की क्षमता बढ़ रही है, तो ये आपको बहुत ही पॉजिटिव संकेत सर मारुति सुजुकी में दिखा रही है। और जितनी भी शेयर मार्केट हो सारी मांग पर टिकी है सर, ध्यान रखना, बिना मांग की कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत हमें मारुति सुजुकी में दिख गए हैं। बात करेंगे विप्रो की, और
विप्रो की, और विप्रो की बात इसलिए करेंगे जिस तरीके से इसका शेयर 400 से ऊपर चल रहा था जब, तभी मैंने कहा था सर आईटी सेक्टर में आने वाली है गिरावट, और तब जाकर आपको तब पता लगा होगा जब ये शेयर 400 से नीचे गया। और मेरे दोस्त ने जब 410 से मुझे कहा था कि शेयर को लो, तो मैंने अपने दोस्त को कहा था सर ये 400 से नीचे आएगा, यकीन नहीं था उस बंदे को, लेकिन ये शेयर नीचे की तरफ आया है। और मैंने कहा था कि ये शेयर आपको ऐसे ही 400 से नीचे टहलने वाला है, अब एक दो रुपये तीन चार रुपये बढ़कर दिखा दे कुछ चीज़ तो वो जायज़ नहीं होती सर, दो चार ऊपर दो चार नीचे तो वो तो चलता रहेगा, अगर दो चार ऊपर दो चार नीचे में हम घूम गए ना, एक रुपये नहीं मिलने का मार्केट से, ध्यान रखना सर। तो आपको ये समझना चाहिए कि आईटी सेक्टर में गिरावटें हो रही हैं, वो गिरावटें आपको मंदी के तरीके से हो रही है, जिस तरीके से व्यापार ज़्यादा नहीं है, जिस तरीके से हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो सारा का सारा आईटी सेक्टर उससे प्रतिफल नहीं ले पा रहा है, यानी कि प्रॉफिट नहीं ले पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको शेयर के प्राइस गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से विप्रो जो फेमस है, ये भी नहीं कह सकते कि इसका शेयर सर बिल्कुल बेकार है, ये शेयर जो होते हैं विप्रो के होल्ड करने वाले होते हैं, चाहे इसे किस प्राइस पे भी हम ले लें उसके अंदर अपनी एवरेजिंग बनती है। विप्रो एक ऐसा शेयर है जो आने वाले समय में बोनस भी दे सकता है, और पहले भी इसने काफ़ी बोनस दे के इतिहास भी रचे हुए हैं। तो आपको ये समझना चाहिए जिस तरीके से ये अपने कर्मचारियों को अलग से प्रोत्साहन होता है ना, इंसेंटिव होता है, कोई काम कर रहा है, कोई टारगेट कोई व्यक्ति पूरा कर रहा है तो उसे कंपनी इंसेंटिव देती है, भाई तुमने ये काम किया इस पे तुम्हें इतना परसेंट, ये चीज़ें होती हैं, ये हर कंपनियों में होती है सर। इस तरीके से ही ये सैलरी के अलावा जो अतिरिक्त जो बोनस होता है, अतिरिक्त जो बेनिफिट होता है, विप्रो मान गया है, और ये अपने कर्मचारियों को, कुछ कर्मचारियों के यानी कि बैंड ए से B3 कर्मचारियों को ये 100% जो एक्स्ट्रा पैसा उनका बनता है उसे वो इस नवंबर की सैलरी से देगा। तो ये आपको क्या दिशा दिखा रहा है सर कि वो अपने कर्मचारियों पर विशेष तौर पर उन पर जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन कर रहा है। और जब व्यक्ति किसी को प्रोत्साहन करता है तो प्रोत्साहन लेने वाला व्यक्ति ज़्यादा काम करता है, और जब किसी को प्रोत्साहन मिल जाता है जो काम नहीं करता वो भी काम करेगा उसे देखकर, भाई वो तो गाड़ियों में घूम रहा है हम साइकिल में घूम रहे हैं, तो इससे क्या हुआ एक ऐसी सोच बनती है जो अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करती है। अब ये न्यूज आपको सब बता देंगे लेकिन इसका इफेक्ट किस किस तरीके से लोगों के माइंड में जाता है, साइकोलॉजी से उत्पन्न होता है, ये आपको इस सार्थक बाजार से चैनल पर मिलेगा। तो जब हम किसी की बड़ाई करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की दिशा लगा देगा। ध्यान रखना सर, किसी व्यक्ति का दिल जीतना हो ना, उसके बिना पूछे उसके 10 काम कर दो आप, उसे कहीं जाना हो भाई साहब मैं जाऊंगा ले चल रहे मेरे साथ, उसके बाद आप उसके साथ बिजनेस करिए सर, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा आपको, ये ध्यान रखना। तो हर एक व्यक्ति की मांग पूरी करना और उससे अपना पैसा निकालना यानी बिजनेस करना, ये ट्रिक सर किसी किसी को आएगी और ये हमें समझनी पड़ेगी, और यही समझ कर हम मार्केट में अच्छा पैसा कमाएंगे। तो विप्रो की जिस तरीके से वेब थ्री में भी अपनी प्रतिभा अच्छी है, आईटी के सेक्टर में धुएं उठाने वाली ये कंपनी है, तो इसे हमें भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जिस तरीके से कर्मचारियों का विशेष तौर पर ये ध्यान रख रहा है तो ये आगे जाकर एक अच्छी सी रणनीति बना रहा है। अब लोग कहेंगे सर इसे खरीदें, सर खरीदें बेचें ये तो आपको अपने माइंड से करना है, क्योंकि मैंने कहा खरीद लो, आपने खरीद के बैठ गए, आपने गया नीचे, आपने बेच के निकल लिए, या हम जो भी करते हैं अपने द्वारा करते हैं शेयर मार्केट में। एक शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर, ध्यान रखना। आप लोगों के वीडियो देखकर शेयर तो खरीद लोगे लेकिन रुकने की क्षमता कहाँ से लाओगे? जितने भी इंस्टीट्यूट खुले हैं वो आपको अपनी कॉल देते होंगे, उनकी कॉल के अनुसार आपको वर्क करना अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान रखना। वो बता तो देगा उसकी तरह से आप काम नहीं करोगे। तो जितने भी आपको कोई कॉल देता है कुछ तो सुनो सबकी, करो अपनी मन की, यही एक चीज़ है, क्योंकि बाद में जब फिर लॉस होगा तो आप उसे परेशान कर दोगे, जब प्रॉफिट होगा तो उसे फिर कहो मज़ा आ गया जिंदगी का। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बात करेंगे टाटा स्टील की, और टाटा स्टील ने भी जिस तरीके से मुनाफा अपना कम किया है, और मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा शेयर है जो आपको होल्ड करके ही गोल्ड बना देगा, जहां इसने आपको अब तेजी के मोल दिखाए वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिया कि FIs जो हैं खरीदारी करने लगे नवंबर में।
अभी इनके जो मसले जो फैलते जा रहे हैं ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। यूके में जिस तरीके से वहां की सरकार से ये मांग कर रहे हैं भाई, वहां के लोग हैं उनको काम देते हैं, रोजगार देते हैं, और अपनी जो इनकी वहां एक परियोजना है उसको चालू करने के लिए इनका जो फ्यूचर है यूके के सरकार के प्रतिक्रिया पर टिका है, क्योंकि उनके द्वारा ही अगर वहां पर कुछ चीजें ऐसी बेनिफिट लेने के लिए टाटा स्टील कर रहा है जो करीब 1.5 बिलियन पाउंड की मांग जो यूके सरकार से टाटा स्टील कर रहा है अपनी कुछ वहां उनकी एक परियोजना उसको चलाने के लिए, वो सारा का सारा फ्यूचर वहां की प्रतिक्रिया से टिका है। अगर वहाँ से कुछ प्रतिक्रिया इनके उपलक्ष में आई तो इनका बेनिफिट और इनके शेयरों में तेजी आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से ऋषि सुनक ने अभी वहाँ का अपना कार्यभार संभाला है तो ये जल्दी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने वहाँ के काम को भी ज़्यादा से ज़्यादा फाइल दर फाइल देखने को मिलेगा, तो एक अभिलाषा इन्हें वहाँ से टिकी हुई है। जिस तरीके से इन्होंने अपने पूंजीगत व्यय जो थे उसका एक अनुसरण किया था कि भाई ये 12,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करेंगे जो करीब 8,500 करोड़ रुपए भारत में और बाकी शेष बचा रूस के लिए ये काम करेंगे, खर्चा करेंगे, तो उसके अंदर भी कुल पूंजीगत व्यय का 50% इन्होंने अभी कम किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी अभिलाषा आगे जाकर अपने को अच्छा करने की बन गई है। अब सर कुछ ऐसे भी जो शेयर रखो कि जो आपको प्रॉफिट दे दें और उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बचाकर यानी वही शेयरों को कुछ अपने होल्डिंग में रखिए, ताकि अगले दिन आपको ये तो लगे हाँ भाई ये शेयर मेरे पास था, इसको मैंने बेचा नहीं है, कुछ भी मिला है तो मिल तो गया है सर, ये तो ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं, हम सारे शेयर बेच देते हैं, अब वो सारे बेचने का वो शेयर बहुत तेज भाग गया ऊपर की तरफ, फिर आपका दिल करे से खरीद लो, फिर आप उसे ऊपर खरीदोगे, फिर वो शेयर धीरे 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 करके नीचे आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपको शेयर अच्छे लगते हैं तो सारे सेल मत कीजिए, उसका कुछ हिस्सा रखिए और वो हिस्सा आपको आगे जाकर अच्छा करेगा। विप्रो ने जिस तरीके से अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए ये ऐलान किया, ये पॉजिटिव संकेत डाल रहा है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि वेदांता अगर नीचे गिरा है तो बेकार कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, और समय समय पर प्रॉफिट लेना ही हर शेयरों से बनता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सहनशीलता नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है कि हम एक शेयर में 5-5, 10-10 साल लगा लें, उम्र बीत जाएगी फिर तो हमारी। और टाटा स्टील एक ऐसा शेयर है जहाँ इसकी सारी की सारी मांगे या परियोजना पूरी होती गई है, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट करके शेयर दिखा देगा, और मारुति सुजुकी जहां जिस रेट पर आज है ये यहां से और ज्यादा होने की उम्मीद आरसी भार्गव ने अपनी मांग के द्वारा जो बता दिया, इसको मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझा दे, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।